हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिया श्रुति और मैं सोनपुर में खड़ी हूँ और ये सोनपुर मेले का दृश्य देख रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ आज बकरी बाजार और यानी गोट मार्केट। तो आप लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन सी बकरियाँ सोनपुर मेले में आई हैं और कैसे कैसी है और कहाँ से आई है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो ये है बकरी बाजार। देखिए ये बकरी बैठी हुई है, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बकरी थी और सारे बकरी का बताने की कोशिश करूँगी और जो सबसे अच्छी है। और ऐसे तो सब अच्छी है लेकिन जो सबसे अच्छी उसके बारे में जानकारी देने दूँगी। तो ये अंकल बता रहे थे कि ये पहाड़ी बकरी है और बहुत बड़ी बकरी थी, कम से कम 3.5 या 4 फीट की होगी ये बकरी, बकरा था। और काफ़ी खूबसूरत थी और ऐसी ऐसी बकरी आपको सोनपुर मेले में ही देखने को मिल जाएगी जगह जगह के। और हमारे बिहार की बकरियाँ तो ऐसी होती नहीं, आपको पता ही है, और कम ही ऐसी बकरी देखने को मिली होगी जो शायद मैं लाइफ में दोबारा देख रही हूँ। तो देखिए इस वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरी इसी तरह वीडियो में। तो मैं आपको एक एक जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। बकरी के बारे में आइए मैं आपको बता दूं कि ये सोनपुर मेले की शांति और इस बकरी का कोई मुकाबला नहीं था। और ये बकरी एकमात्र सोनपुर में ऐसी थी जो 3.5 बच्चे और 4 से ज़्यादा ही दूध देती थी, 4 किलो से ज़्यादा ही, और काफ़ी खूबसूरत थी और ये शायद बच्चे देने वाली थी। बता रहे थे कि 20 दिन के अंदर ये बच्चे दे देगी और लोग देखने के लिए आतुर थे। और काफ़ी खूबसूरत बकरी थी और ये भी बकरी मैं पहली बार ही देख रही हूँ। और एक गर्भवती थी और बहुत ही खूबसूरत बकरी थी। आइए जानते हैं आगे। 65,000 की बकरी है और काफ़ी महंगी थी और इसका रेट शायद और भी आगे जाएगा। तो आप लोग अगर ये बकरी पसंद है वीडियो के जरिए तो आप लोग जल्दी से जल्दी आ करके ये बकरी ले जाए। सोनपुर मेले में आपको हर तरह की वैरायटी की बकरियाँ मिल जाएगी। तो ये बकरियाँ तौली जा रही थी और ये खरीदार खरीद चुके थे और तौल कर ही बकरी मिल रही है, किलो के हिसाब से ही इसके रेट लगते हैं। तो आपको इस मेले में जोताबारी, गोजरी, अजमेरी, बीकानेरी बकरी मिल जाएगी जो कि ज़्यादातर राजस्थान के व्यापारी आए हुए हैं। तो आ करके आप लोग देख लीजिए अगर आप लोगों को बकरी खरीदनी है तो। खरीद लिए हैं तो मुझे बकरी बाजार में बकरियां सारी बकरियां एक से बढ़ के एक लगी और काफ़ी खूबसूरत थी और मैं मन ही मन मुस्कुराई थी, इतने प्यारी प्यारी बकरियां थे, मन करा था खेल लूँ। तो एक भाई साहब ने सच में मुझे इजाज़त दी और वो वीडियो बनाने के लिए भी दिए और काफ़ी उनको मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। कहाँ से आए हो?
ऑन मारती हूँ। ये भी किलो के हिसाब से मिलती है। तो फाइनली राजस्थान की बकरियों से मिलने का मुझे मौका मिल गया और देखिए मैं बकरियों के साथ कैसे बातें कर रही हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा था। और मैं तो टीवी में देखती थी कि ये सारी इतनी प्यारी से बकरियाँ होती है, लेकिन मैं इसे खिलाई, इसको साथ बात की, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये हमेशा याद रहेगा, मुझे अच्छा लगा। ये भाई साहब इजाज़त दिए तो मैं अंदर आई, मुझे तो डर लग रहा था लेकिन काफ़ी फ्रेंडली बकरी थी और ऐसा लग रहा था कि कई महीनों से मैं इसे पोस चुकी हूँ और ये मुझे एक पल में मेरी हो चुकी थी और शायद मैं भी इसके प्रति समर्पित हो चुकी थी और सारी बकरियाँ मेरे पास आके खड़ी हुई एक जुट में और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैं ही इसकी मालिक, बट मैं मालिक नहीं थी। और मेले वाले सारे लोग बता रहे थे जो ले जाएगा सब मालिक है, तो आप भी मालिक हुई। वेल, सोच बड़ी थी, अच्छी थी और अच्छा लगा इन बकरियों से मिलकर। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर बकरियाँ हैं और मैं काफ़ी थोड़ा देर इंजॉय की और काफ़ी खुश लग रही थी देखकर इन बकरियों से और मिलकर, और काफ़ी करीब से देख रही थी क्योंकि मेरा तो ऐसा लगता है कि सपना ही सच हो गया। और तो मोहम्मद सारी जी का दिल से धन्यवाद, जो मुझे अच्छा लगा इनसे मिलकर। और आप लोग इनके शॉप पे जरूर आइए और विजिट कीजिए और काफ़ी अच्छी अच्छी बकरियाँ हैं और काफ़ी फ्रेंडली है, तो आप लोग इनसे बकरियाँ लेकर काफ़ी खुश होंगे। और तो मैं इनके शॉप से आई हूँ, इसमें बता रही हूँ, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सोनपुर मेले में आइए और इनके द्वारा इनसे बकरियाँ लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको बकरी बाजार काफी अच्छा लगा होगा। तो सोनपुर मेले का ये बकरी बाजार है और आप लोग जल्दी से जल्दी आइए सोनपुर मेले में और मनपसंद बकरियां ले जाइए। सभी बकरियां एक से बढ़ के एक खूबसूरत हैं और स्वस्थ भी थी। और तो आज का वीडियो इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।